कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में कुछ समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना कोविड-19 का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लगातार अभी देश में खबरों से जिस हिसाब से हमको खबर आ रही है, मीडिया के थ्रू खबर आ रही है कि कोविड-19 और कोरोना का जो है इलाज अभी तक के संभव नहीं हो पाया है। सावधानी और सुरक्षा ही इसका बचाव है और लगातार जो है इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हद तक के जो है लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना पर जो है हमने कहीं ना कहीं कुछ हद तक के जो है असर डाला है और इसको कम करने में हम सफल भी हुए हैं। गांव-गांव में आज कोरोना को जान रहे हैं लोग। हम इस वक्त जो है आदिवासी ग्रामीण अंचल में हैं, नारू टोला में, और यहाँ पर जो है हमें एक जनसेवक और जनप्रतिनिधि मधु भगत जी मिले हैं जो घर घर में जाकर जो है मास्क वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर का मतलब समझा रहे हैं, साफ सफाई का मतलब समझा रहे हैं और बखूबी उनकी बातों का जो अनुसरण जो है आदिवासी ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है। हम यहाँ पर पूर्व विधायक मधु भगत जी से जानेंगे कि वो कैसे अवेयरनेस कर रहे हैं, कैसे जागरूकता ला रहे हैं और वो अपने स्तर पर गांव-गांव जाकर जो है क्या कर रहे हैं। मधु भगत जी, आप ये बताइए कि किस तरह से आप लोगों में जागरूकता ला रहे हैं और किस तरह से आप अवेयरनेस ला रहे हैं आदिवासी ग्रामीण अंचलों में। जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से इस बात को और अवेयरनेस मिलेगी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने प्रश्न अच्छा किया है। कोरोना कोविड-19 एक भयंकर बीमारी है। ये एक तरीके का एक ऐसा बीमारी है कि जिसका अभी तक विश्व के अंदर सर्च नहीं कर पाए हैं कि ये बीमारी कैसे उत्पन्न हुई। तरह तरह की लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई किसी प्रकार का टीका नहीं बना है। ग्रामीण में जा रहा हूँ तो ग्रामीण में आज का एक डर का माहौल है। डर का एक माहौल पूरी तरह से व्याप्त है। वो डरा हुआ, सहमा हुआ, परेशान सा चेहरा उसका, क्योंकि मजदूर को आपने देखा होगा, ग्रामीण जन को देखा होगा, वो कभी भी एक मिनट भी खाली नहीं बैठता। और आज पिछले 12 दिन से, और जब से कोरोना का ये कहर टूटा है तब से वो घर में बैठ करके स्तब्ध है। उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको मैं बता रहा हूँ कि आप चेहरे पे मुस्कान रखिए, आप डरिए नहीं, आप अपने घर में परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए। ये समझ लीजिए आपका ये महीना 15 दिन छुट्टी का समय है। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन किसी का भी है, सरकारें कोई भी आती है और जाती है, प्रशासन शासन का जो सहयोग मिल रहा है उसका पालन कराना हमारा कर्तव्य है। और हम उनको बता रहे हैं कि आपका अन्न पानी दाने का व्यवस्था हम कराएंगे सरकार के द्वारा। आप क्या बांट रहे हैं अभी, मास्क कितने बनवाए हैं और कितने गांवों को आपने चेंज किया? देखिए, मेरी जो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए जो मेरी मदद थी वो मैंने 1,11,000 की रेड क्रॉस सोसाइटी को दे दिया था। उसके बाद मैं जानता हूँ कि वो पर्याप्त नहीं, लेकिन अगर मैं अपने माध्यम से, मैंने ये मास्क की तैयारी की है और मास्क मैंने बनवाए हैं, कॉटन के मास्क हैं, धो भी सकते हैं इसको, 4-5 बार अगर आप धोएंगे तो भी ख़राब नहीं होंगे। मैं तो चाहूँगा कि इसको रोज, मैं ग्रामीण जन को बताना चाहूँगा कि इसको अगर आप लोग नीम का पानी उबाल लें और उसमें डाल के इसको सुखा दें और सुबह पहन लें, फिर रात को डाल के सुखा लें, बस रगड़े भरना इसको, ठीक है? तो ये इनको चलेगा। मास्क बांटने का मेरा जो आयोजन है वो प्रति ग्राम है, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश है। ये बताइए कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि दिया जलाएं आप, तो उस बात से आप कितना सहमत हैं और व्यक्तिगत तौर पे आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब कोई किसी प्रकार का जब कोई निराकरण नहीं होता, जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता और निराकरण नहीं होता और उसकी बीमारी का अंदाजा नहीं लगता, तो डॉक्टर भी बोलता है कि अब आखिरी आस्था ईश्वर की, भगवान जाने इसका क्या होगा, भगवान की शरण में चले जाओ। हिंदुस्तान भगवान की शरण में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप दिया जला करके रात 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए, 8 बजे जो भी टाइम दिया उसमें जला करके ये धर्म के एक समझ लिया आस्था पे चला गया। अब इस आस्था के प्रतीक को मैं मानता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी मेरी बात अगर आप तक पहुँचे तो प्रधानमंत्री, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी अब भगवान के शरण में चले गए हैं, पहले से आप थे ही, ईश्वर सबके लिए सब रहते हैं शरण में, हम भी चले गए, लेकिन ऋषि मुनि के जमाने में यह बहुत बड़ा सत्य है, लुभान यज्ञ से, कपूर के धुएं से, अगरबत्ती के धुएं से घर को पवित्र किया जाता था, वातावरण को शुद्ध किया जाता था। आज भी भागवत कथा ज्ञान
सत्यनारायण की भगवान की कथा के माध्यम से घर को पवित्र किया जाता, अपने अपने धर्म के अनुसार हर आदमी एक पवित्र करता है। मैं उनकी बात को नहीं काट रहा हूं, लेकिन लाइट आएगी और जाएगी, मोमबत्ती दिया जलाओगे, उससे वातावरण शुद्ध नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है कोरोना तक, उस जीवाणु अंश तक एक ऐसा हमारा धुआं जाना चाहिए या ऐसी खुशबू जानी चाहिए अगर वातावरण में, तो शुद्ध कर दे वातावरण को। और अभी बहुत बढ़िया समय है, जिस हिसाब से लॉकडाउन है, और हमारे पूर्व विधायक जो मधु भगत जी का कहना है कि यदि हर घर से जो है हवन किया जाए लॉकडाउन का पालन करते हुए, हर घर से यदि धुआं निकले तो वातावरण भी शुद्ध होगा और ईश्वर के प्रति एक इस विकट घड़ी में जो है एक आस्था भी और विश्वास भी उत्पन्न होगा इस कोरोना जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है जिनने मास्क लिए पूर्व विधायक से, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की उनको अभी आत्मबल मिला है। आपका सुनना। मेरा नाम रंजीत बनौटे है। रंजीत जी आपका सुनना। मेरा नाम रंजीत बनौटे है। रंजीत जी ये बताइए कि कैसा अभी पहली बार कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच पहुँचा है, क्या है मानते हैं? हाँ, हम लोग देखा है कि अभी तक कोई यहाँ आया नहीं जनप्रतिनिधि, माननीय भगत जी यहाँ पर आज देखा, अच्छा लगा हमें भी कि ग्रामीणों को मास्क बांट रहे हैं और एक अच्छी पहल है। अभी तक हमने ऐसा कोई जनप्रतिनिधि देखा नहीं कि मास्क बांटें, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी मास्क मतलब नहीं बांट रहे हैं, लेकिन इनका अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास। और किस तरह की समझाइश दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अभी ग्रामीण? वो समझाएं कि हाथ कैसे धुले, इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसको सुखाएं कैसे, धुले कैसे, मतलब लोगों तक जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी ग्रामीण अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो यकीनन अपन इतनी बड़ी जो बीमारी है, वायरस है कोरोना, उससे बचा जाए। क्या मानते हैं कि इस तरह का प्रयास होते रहना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के माध्यम? बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब कोई दूसरा जनप्रतिनिधि हमें आज तक दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ और भी एक ग्रामीण है जो स्थानीय है, जो पेशे से डॉक्टर है, यहाँ पर डॉक्टरी करते हैं स्थानीय स्तर पर, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों के बीच जनप्रतिनिधि जा रहे हैं और किस तरह से अवेयरनेस ला रहे हैं। आपका सुनना। मेरा सुनना शंकर विशेल जी। विशेल जी बताइए कि किस तरह से ये प्रयास हुआ आप लोगों के इस माध्यम से कि गाँव के लोगों के बीच पहुँचना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, जो आज वो सुबह 9 बजे से लगभग 10 से 12 गांव जो है अपने स्वयं के खर्चे से मास्क वितरण कर रहे हैं, और उनने एक संदेश भी दिया है सभी ग्रामीण जनों को कि आप साफ़ सफाई बरतें, दिन में लगभग 3-4 बार हाथ धुले, साबुन से हाथ धुले, डिस्टेंस बनाए रखे, दूरियां बनाए रखे एक दूसरे से, ताकि जो कोरोना वायरस जो है, जो जीवाणु है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर पे संपर्क करने से जाता है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत राय रखे कि हवन करना चाहिए, तो क्या मानते हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा? उनकी जो व्यक्तिगत राय है वो बहुत अच्छी राय है, क्योंकि हवन करने से जो है जो धुआं निकलता है उससे, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग, पंडित लोग, ऋषि मुनि लोग ने कहा है कि हवन करने से अपने आजू बाजू की वातावरण की जो है अशुद्धियाँ, निगेटिव शक्तियाँ जो है वो ख़त्म होती है। तो अगर छोटा छोटा अपने घर में स्वयं लुभान का जो कटोरा होता है उसी में अपन थोड़ी सी लुभान वगैरह डाल करके हवन करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अशुद्धियाँ है हमारे वातावरण में फैली हुई वो मतलब ख़त्म होगी, आत्मबल भी बढ़ेगा लोगों का और आत्मबल भी बढ़ेगा सभी लोग का, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो संदेश दिया है उनका भी आत्मबल बढ़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जिस हिसाब से कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर ही नहीं, नगर ही नहीं, गांव-गांव जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और बड़े ही एहतियात ढंग से जो है अपने काम धंधों को विराम देकर जो है अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं, तो एक सीधा सा संदेश है कि ये साझा प्रयास करने की आवश्यकता है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने अपने घर में पड़े रहें और साफ़ सफाई का, स्वच्छता का और चेहरे पे मास्क लगाना अनिवार्य है और इसका बखूबी ध्यान रखें और यकीनन जो है कोरोना वायरस से निपटने में हम एक न एक दिन सफल होंगे। और जिस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है इसमें सभी शासन प्रशासन, डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन, सभी लोग जो है अपना
एक एक समय जो है दे रहे हैं, अपना पूरा परिश्रम कर रहे हैं इस हालात से निपटने के लिए, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए। कई दानवीर लोग जो हैं जो अपना राशन पानी जो है गरीबों को मुहैया करा रहे हैं, भोजन पका के दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस परिस्थिति आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए जो है दान देने के लिए भी कई हाथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम एक ही आशा रखते हैं, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप जो है सचेत रहें, सावधान रहें, साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपने घर में जो है घर पे ही रहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। कैमरा पर्सन जय बिसेन के साथ हरीश लिल्लारे,